वेलकम टू माई चैनल रियल एसेंस। माई नेम इज़ सुपर्णा। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नया फेस वॉश जिसमें हम खीरा यूज़ करेंगे। आपको पता है खीरे की कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं, खासकर स्किन के लिए। ये कूलिंग इफेक्ट देता है और अदर एसेंशियल बेनिफिट्स भी है जो इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे खास बात ये है कि जो मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ वो इस इंटेंशन से है कि मैं केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं और मुझे पता है कितना पीएच लेवल उसमें है। हमारे फेस के पीएच के हिसाब से हमें 5.5 टू 7 के बीच बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाज़ार से कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हो, फेस वॉश लेते हो, जिनका पीएच लेवल इग्नोर किया गया होता है और कई ऐसे हार्श केमिकल्स होते हैं से हमारे फेस की स्किन ख़राब हो जाती है और अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो उस कारण मैं ये ट्यूटोरियल घर में खुद बनाती हूँ, मैं खुद यूज़ करती हूँ और अपने फैमिली को भी यही यूज़ करने के लिए इनिशिएट करती हूँ। सबसे पहले हमें खीरे को कद्दूकस करना है और उसका जूस निकाल के और जो खीरा लेफ्ट ओवर है वो भी हम एक साइड पे रख देंगे। फिर हम 200 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लेके उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे स्टोव पे। डिस्टिल्ड वाटर इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं होंगे, जैसे कि रेगुलर वाटर में क्लोरीन, मैग्नीशियम, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वाटर को हार्ड बनाते हैं और वो कई बार स्किन के लिए बेनिफिशियल भी नहीं होते हैं। इसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हीट करेंगे जब तक ये बॉयल होगा। अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद इसमें हम ये जो ग्रेटेड खीरा है, कद्दूकस किया हुआ खीरा, उसमें मिलाएंगे और हीट बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे छोड़ देंगे सो दैट इसका जूस और इसके बेनिफिट सारे इस पानी में रच जाए। इतनी देर में हम 20 ग्राम वेजिटेबल ग्लिसरीन जो कि नॉर्मल ग्लिसरीन होता है, उसको हम वे करके मेजरिंग वेइंग मशीन पे एक साइड 20 ग्राम का ग्लिसरीन और 2 ग्राम का जैंथन गम ले लेंगे। इसके बाद हम जैंथन गम को ग्लिसरीन में मिक्स करेंगे और एक साइड थोड़ी देर के लिए रखेंगे सो दैट ये अच्छी तरह से स्वेल हो।
दूसरे बेकर में आप 43 ग्राम्स ऑफ डेकल ग्लूकोसाइड ले लीजिए, जो कि एक सर्फेक्टेंट है, जो कि एक स्लिप देता है हमारे फेस वॉश को, एंड जो कि सोपी टच फील कराने के लिए यूज़ किया जाता है इसमें, सो उसको हम 43 ग्राम्स लेके साइड में रख लेंगे। अब जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड डिस्टिल्ड वाटर है उसको हम अच्छी तरह से फिल्टर करते हैं थ्रू चीज क्लॉथ और सेपरेट एक बाउल में रख देते हैं। अब इसको एक थिकनेस देने के लिए हमारा जो ज़ैंथन गम मिक्सचर था वो मिक्स करते हैं इस फिल्टर्ड वाटर में, और ये हमारा बेस है हमारे फेस वॉश का। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस वॉश को कोई कलर देना है, मैंने ग्रीन कलर डाला बिकॉज हमने खीरा लिया है, सो आप इसमें माइका पाउडर या कोई नेचुरल कलर भी डाल सकते हैं, जैसे बीट रूट पाउडर कलर देने के लिए। अब इसको अच्छी तरह से स्टर कीजिए सो दैट सारा कलर एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए, अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए कलर इसमें पानी में, और तब आप इसको ज़ैंथन गम वाले सॉल्यूशन के साथ मिला दीजिए। मैंने कलर थोड़े से डिस्टिल्ड वाटर में लिया था और वो बाकी के मिक्सचर से मिलाया, बिकॉज मैंने हल्का सा ग्रीन टच सा देना था, मैंने ज़्यादा कलर नहीं मिलाया। सो इस तरह से मैंने बाकी के मिक्सचर में वो कलर्ड पानी मिला दिया।
सो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी बनाना है। आप प्लीज़ वीडियो को धीरे धीरे देखिए, बार बार देखिए, और ये प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन से इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं दोबारा आपको दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगी। मैं डिलिबरेटली हिंदी में बनाती हूँ सो दैट मेरे हिंदी ऑडियंस इसको बना सके, एंड घर में इजीली आप बहुत सेविंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स खुद अपने हाथ से बना करके। होप यू लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, एडियोस।